मैं तुमको मेरा प्लान समझाता हूँ। मैं जाऊंगा अभी घर पर, शिनचैन को बाहर बुलाऊंगा, मैं शिनचैन से ऐसी बात कराऊंगा, तुम एकदम से अपनी वैन लेके आना और मुझे यार गनमन दिखा के दूर भगा देना, और मैं बाहर भाग जाऊंगा और फिर तुम एकदम से शिनचैन को किडनैप करके वहां से दूर चले जाना और कहीं ऐसी जगह छुपाना जहां से शिनचैन कभी ना आ पाए। अरे बेटू तू टेंशन मत ले, हम किडनैप करने में बहुत एक्सपर्ट है, हम किडनैप कर लेंगे। पक्का कर लोगे ना? अरे हाँ कर लेंगे। तो चलो ठीक है, मैं फटाफट से अभी अपने घर पे जाता हूँ और तुम आ जाना अपनी वैन लेके। और हाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और कोई भी पूछे तो बता मत देना कि मैंने बोला है। अरे तू टेंशन मत ले ब्रो, अपने रोज का है ब्रो। चलो ठीक है मैं फटाफट से जाता हूँ। तो अभी मैं शिनचैन को फटाफट जाके बुला लेता हूँ। शिनचैन, ओ शिनचैन, अरे बाहर आ जा। अरे फेकी भाई क्या हो गया? और शिनचैन भाई क्या हाल है तेरे? अरे फेकी तो बहुत ही बढ़िया हूँ, अभी जॉब का जा रहा है। अरे फेकी उसको जाने दे रहे हैं। और बता मतलब तेरे क्या हाल है, मतलब सब ठीक है ना? अरे फेकी मैं तो सब ठीक हूँ, पर आपके पूछ रहे हो। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था यार। अरे बिडू चलो चलो वो बच्चा बाहर आ गया। ए रुको रुको फ्रैंकलिन को साइड बैठो। अरे ये कौन है? एनी फेकी मेरे को क्यों मार रहे हो? ए बच्चे चुपचाप गाड़ी में बैठ, वरना तुझे और तेरे फ्रैंकलिन भैया को भी गोली मार दूंगा। एनी रुको रुको क्यों मार रहे हो मुझे? ए बैठता है कि नहीं, जल्दी चल बैठ फटाफट से, इसके ऊपर गन मारो रे। एनी नहीं 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 मैं बैठ रहा हूं, रुको रुको। एनी मुझे मत मारना, फेकी भैया मुझे बचा लो। अरे शिनचैन, एनी फेकी भैया मुझे लेके जा रही है। ए बिडू जल्दी बैठो, अपन को निकलना होगा यहां से, आज तू हमारे साथ चलेगा। फेकी भैया बचाओ। ए चुप रहे वरना गोली मार दूंगा, ए इसको गोली मारो। ए नहीं 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 लग गए शिनचैन। अरे गया क्या? तो गाइस अब यार शिनचैन को मैंने फाइनली किडनैप करवा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शिनचैन को क्यों किडनैप कराया, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यार गाइस आपको बताइए कि दिवाली आने वाली है, तो शिनचैन ने कभी यार लॉस एंडोस में दिवाली नहीं मनाई, तो मैंने सोचा है कि उसको यार बहुत ही तगड़ा वाला दिवाली का सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, क्योंकि उसने कभी भी दिवाली नहीं मनाई, तो मैं उसको यार बहुत ही खतरनाक वाली दिवाली दिखाने वाला हूँ। मतलब यार पूरे घर को सजाएंगे और एक बहुत ही तगड़ी पार्टी में भी जाएंगे, उसको बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे, तो मतलब यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये शिनचैन को सरप्राइज देना था इसलिए मैं उसको किडनैप करवा दिया। और आप देख सकते हो हमारा घर का यार पूरा का पूरा खराब हो चुका है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है, और ऊपर वाला फ्लोर भी पूरा का पूरा गंदा हो रखा है। तो आज तो हम पहले इसकी सफाई कराने वाले। मैंने यार बहुत सारे जने बुला दिए जो कि हमारे पूरे पूरे घर की सफाई करेंगे, और भी मुझे यार शिनचैन के लिए गिफ्ट लेने जाना है और पूरी की पूरी पार्टी की भी तैयारी करनी है। हेलो फटाफट से सफाई करने आ जाओ। तो गाइस यार अब यार ये सारे के सारे जने आज यार मेरे पूरे पूरे घर को साफ करने वाले, क्योंकि यार बहुत दिनों से मेरा पूरा घर गंदा पड़ा है, और शिनचैन देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और हाँ लाइटें वाइटें भी लगा देना खतरनाक वाली। तो यार अभी यार पूरा ढंग से काम शुरू हो चुका है, सभी काम शुरू कर दिए। वहां पे स्विमिंग पूल साफ करा, ये मेरा ये वाला रूम साफ करा, और बाकी जने ऊपर भी काम कर रहे हैं, मतलब हर जगह फुल स्पीड में काम चल रहा है। और यहाँ पे जो भी थोड़े थोड़े काम है मैं वो भी करता जा रहा हूँ, पर मुझे कहीं जाना भी है। तो ये देख सकते यहाँ पे पूरा ढंग से काम चल रहा है, और वहां पे भी सारे डब्बे जो फालतू पड़े वो निकाल रहे हैं। पर अभी मुझे जाना है साइमन के पास, क्योंकि यार मैं लेने वाला हूँ शिनचैन के लिए बहुत ही तगड़ा वाला गिफ्ट, जो कि होने वाली है बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली कार। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी कार है वो बाद में, पहले अभी मैं चलते फटाफट से साइमन के पास। बस यार शिनचैन किडनैप हमने करवा लिया, अगर वो उसको पता चला कि मैंने करवाया तो मेरे से बहुत गुस्सा होने वाला, पर कोई बात नहीं अभी अपन चलते सीधा साइमन के पास। तो अभी हम आ चुके साइमन के पास, और ये क्या चल रहा है? एक सेकंड, अबे साइमन के शोरूम में चोरी हो गई क्या? अरे जल्दी से मुझे देखना पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्या हालत हो गई इसके पूरे शोरूम की? अरे यार मेरे को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। साइमन साइमन कहाँ है तू? अबे साइमन कहाँ पे? अरे वो उसका टकला चमक रहा है, अबे तो दूर से दिख रहा है टकला। अबे साइमन तू ठीक है ना? अबे किसने चोरी करी? पुलिस को फोन किया कि नहीं? तू तो ठीक है ना? अरे फ्रैंकलिन कौन सी पुलिस को फोन करना है? पुलिस को? अरे तेरे शोरूम में चोरी हुई ना? अरे चोरी कब चोरी हो गई? कब का? अरे ये मतलब इतना सारा सामान फैला रखा है इसलिए मुझे लगा चोरी हो रखी है। अरे पागल हो क्या? वो तेर दिवाली आ रही ना इसलिए पूरे शोरूम में सफाई चल रही है, सारा का सारा फालतू का सामान बाहर निकाला है। अच्छा सफाई के लिए? मैं तो यार फालतू में डर गया था। अच्छा तो मेरी बात सुन, तुझे याद है अपन ने बीच में कार की बात करी थी, $60 मिलियन वाली जो कार थी? अरे है तो वो मुझे चाहिए। क्या तू $60 मिलियन की कार खरीदेगा? नहीं नहीं 60 की नहीं 60 की। अरे हाँ वही हाँ मुझे चाहिए यार, तुम्हें को मंगवा के दे देगा? अरे हाँ मंगवा दूंगा। अच्छा ठीक है तू मंगवा दियो, और आज शाम तक मुझे चाहिए। हाँ ठीक है चल ठीक है, भूल मत चाहिए मैं जा रहा हूँ। तो गाइस यार अभी मैंने साइमन से बात कर ली, वो कार वो मंगवा देगा। अभी मैं जा रहा हूँ आपको चल के दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमारी पार्टी मैंने सोचा है कि हम करने वाले वो कौन सी जगह। ये पार्टी होने वाली बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा लॉस सैंटोस का बीच बुक कराया अपनी पार्टी के लिए। मतलब अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें लगने वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली पार्टी होने वाली, दिवाली की पार्टी, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इस पूरे पूरे बीच पे हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली पार्टी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, और शिनचैन को तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अरे दीदी मेरी बात सुनो। अरे ये तो दीदा है। अरे रुको रुको पीछे दीदी खड़ी है। अरे दीदी सुनो, दिवाली की पार्टी यार जरूर आना, सबके सब आना, सारे के सारे बीच वालों को हमने बुला लिया। अरे ये मैं कहूँ, अरे मुझे किसने किडनैप कर लिया? अरे ये कौन सी जगह? अरे सामने तो रोड है, चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे ये मैं कहाँ से आ गया, यहाँ पे कैसे आ गया? अरे मुझे जल्दी से घर पे जाने पड़ेगा, फेंकी पे बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे
मुझे पक्का पता है, उन्होंने तो पुलिस में फोन कर दिया, पर वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए फटाफट से। चलो चलो यहाँ से भाग जाते, पता नहीं कौन मेरे को पकड़ के लेके आ गया था। फेंकी भैया मैं आ रहा हूँ। अरे गाइस मैं अपने घर पे पहुंच गया। अरे ये तो सामने फेंकी भैया खड़े, रुको उनको सरप्राइज देता हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम दोनों बस यार पार्टी में आ जाना, बहुत ही तगड़ी पार्टी है, फुल मजे करेंगे भाई, नाचेंगे बढ़िया तरीके से। अरे ये तो बताओ शिनचैन कहाँ पे? अबे शिनचैन विनचैन भूल जाओ, उसको तो मैंने किडनैप करवा दिया, अब वो कभी नहीं आने वाला। अब बस तुम यार पार्टी में आ जाना, मस्त यार कपड़े पहन के डांस करेंगे डांस। अरे ये फेंकी भैया ने क्या कर दिया? फेंकी भैया ने मुझे किडनैप करवाए थे। अरे ये कैसे हो सकते हैं? फेंकी भैया इतने गंदे निकले, मुझे नहीं पता था। मैं जा रहा हूँ अब, मैं घर पे भी नहीं जाऊंगा, वरना ही वापस से मुझे किडनैप करवा देंगे। और ये तो मेरी खुशी में पार्टी कर रहे हैं, मैं चला गया इसलिए खुशी में पार्टी कर रहे हैं। मैं सही में चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं कूद रहा हूँ पानी में, बचा ले मुझे। अरे यार पानी तो गहरा ही नहीं था। एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं खेलूंगा। चलो चलो चलते हैं। तो गाइस यार अभी अपनी पार्टी की मैं तैयारी आपको दिखाने आया हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे अपनी पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है, मतलब फुल लाइटें वाइटें लग चुकी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला यहाँ पे यार परफॉर्मेंस होने वाला है, बहुत ही तगड़ी पार्टी होने वाली है। ये देखो भाई यहाँ पे सब यार टेस्टिंग चल रही है, देखो भाई कैसे आग निकल रही है, मतलब सोचो तो दिवाली के दिन तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा का पूरा पार्टी का सीन हो चुका है। और यार शिनचैन के मुझे दोस्तों को बुलाना है पार्टी में, क्योंकि शिनचैन को सरप्राइज देना है, तो शिनचैन के दोस्तों को भी बुलाना पड़ेगा। तो अभी तो फटाफट चलते हैं, मैं साइमन के पास जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे गाड़ी लेनी है। अबे इसने अभी तक अपने बक्से बक्से ठीक नहीं किए क्या यार? अबे साइमन, अबे यार तो देख भी नहीं रहा है, बचाओ मेरे को। अबे यार तो शोरूम बंद कर दे, साफ करना है तो भाई कैसे खोल के रख रखा है। ये रहा साइमन, अबे वो टकले, मतलब साइमन गाड़ी का क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन आओ आओ, क्या हाल है तुम्हारे? अरे हाल तो बढ़िया है, तू गाड़ी का बता ना। क्या कौन सी गाड़ी? अरे गाड़ी $60 million की जो मैं तेरे को बोल के गया था मंगा के रखी हूँ। अरे यार वो तो मैं भूल ही गया, अबे तू पागल लेके भूल कैसे गया? अरे मतलब मैं यहाँ पे लाना भूल गया, वो एयरपोर्ट पर तो आ गई है। अरे क्या मैं लेके आऊंगा क्या? अरे हाँ और नहीं तो क्या। अरे यार क्या पागल इंसान है यार, चल ठीक है मैं ही लेके आता हूँ। गाइस यार अभी यार साइमन ने यार यहाँ पे मंगवाई नहीं, वो भूल गया था, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, वहां से वो गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, मतलब और काम बढ़ गया, वैसे कम काम है मेरे पास। और अभी तो शिनचैन को भी लेके आना यार, तो अभी फटाफट से अपन एयरपोर्ट पे चलते हैं, सीधे यहाँ से एंट्री करेंगे, नीचे वाले रोड से मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और अंकल क्या ले? तो गाइस अभी फटाफट चलते अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले लेते हैं, उसने बोला था Terminal 3 पे, तो देखते कहाँ पे। और ये नहीं वोरी वोरी गाड़ी मिल गई। तो गाइस ये रही वो गाड़ी जो कि मैंने मंगाई है $60 million की। अब आप सोच रहे हो कि ये तो नॉर्मल सी गाड़ी है, पर नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हम बैठेंगे, इसको फटाफट से मैं चालू करता हूँ और ये होगी चालू। ये देखो भाई क्या ही खतरनाक लाइट है इसमें। तो गाइस आपको तो पता है ये दिवाली आने वाली है, तो गाड़ी भी होनी चाहिए मस्त दिवाली वाली। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया इसमें लाइट लगी हुई है, मतलब यार सुबह सुबह तो यार इतना दिखता नहीं, पर रात को तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला है। अभी आपको चल के दिखाऊंगा, अभी देर में ज्यादा कुछ है नहीं, रात को पार्टी में शिनचैन में इसमें एंट्री लेंगे, बहुत जाएगा। अरे बिड़ू वो बच्चा तो भाग गया। बच्चा भाग गया मतलब कहाँ चला गया? अरे बिड़ू हमको क्या पता, हमने तो यहाँ पे छुपा के रखा था। छुपा के रखा था? कहाँ पे छुपा के रखा था? ये यहाँ पे छुपाया था तुमने? अरे हाँ बिड़ू। अबे तू क्या पागल वागल हो क्या भाई? कौन से गुंडो ये बोल रहे थे, हमें यार किडनैपिंग का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसी जगह कौन छुपाता है? ये तो आराम से पूरी खुली जगह कोई भी आ जाएगा यार। अबे यार ये क्या कर दिया इन्होंने, अभी शिनचैन का चला गया। मैं यार घर से तो होके आया, तो शिनचैन यार लगता है घर पे तो नहीं है यार, पर वो गया कहाँ पे? मुझे लगता है उसके सारे दोस्तों से जाके मुझे पूछना पड़ेगा। अरे नहीं मैं तो ट्यूशन गया हुआ था, वो नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो घर पे नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है कजामा, तो गाइस यार मैंने कजामा से तो पूछ लिया, बाकी सबसे भी पूछना पड़ेगा यार कहाँ चला। अरे मुझे नहीं पता शिनचैन कहाँ है। अरे ठीक है ठीक है, रो मत, मैं जा रहा हूँ यार, ये मसाओ को भी नहीं पता शिनचैन कहाँ पे, यार कहाँ गया शिनचैन? मुझे लगता है नैनी के घर पे गया हो। चलो फटाफट से नैनी के पास चलते हैं। और यार ये तो यहाँ पे भी नहीं है। तो गाइस मैंने अभी नैनी से भी बात कर ली है, उसने बोला कि वो इसके पास भी नहीं आया, वो गया का शिनचैन। अबे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शिनचैन कहाँ चला गया भाई? उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसको किडनैप करवाया था? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अगर उसको पता चल गया भाई वो घर बार छोड़ देगा, लॉस सेंटर छोड़ देगा, कुछ करना पड़ेगा यार। अभी मैं जा रहा हूँ बो के पास, पर बो मुझे मिलेगा कहाँ पे? अरे हाँ नदी के पास, वो पत्थर जमा कर रहा हुआ, उसके पास काम धाम तो है नहीं, पत्थर जमा करता है, फटाफट चलते हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्या आपको लगता है शिनचैन को फ्रैंकलिन ढूंढ पाएगा? क्या वो उसको मना पाएगा? क्योंकि यार शिनचैन तो बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि यार शेफ फ्रैंकलिन ने उसको किडनैप करवाया था। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो फटाफट से कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जो फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।